हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप सिंपल लिव बेटर। आज मैं अपनी इस वीडियो में बनाने जा रही हूँ टेस्टी एंड क्रिस्पी प्याज पकौड़ा। ये रेसिपी काफ़ी आसान है, इंस्टेंटली झटपट से बन जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो मैंने काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ इस वीडियो को बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बेटर को सब्सक्राइब करें। आप जब भी शाम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस प्याज पकौड़े को बना सकते हैं और टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, ग्रेम फ्लोर जिसे बेसन भी कहते हैं, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड ग्रीन चिली और जिंजर की क्रस्ट वाली पेस्ट। प्याज जो है उसे फाइनली चॉप करना है। इसके बाद मैंने स्प्रिंकल किया है अजवाइन, देन मैंने डाला है हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लिया है और ये रहा मिक्सचर। इसके बाद हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसमें मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने दें और हमें मीडियम फ्लेम पर पकौड़े को फ्राई कर लेना है। काफ़ी केयरफुली फ्लिप करें और मीडियम फ्लेम रखना है और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये काफ़ी टेस्टी होता है, क्रिस्पी और क्रंची तो होता ही। और देखिए, देखते ही देखते हमारा टेस्टी और क्रिस्पी ऑनियन पकौड़ा बनकर तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बेटर को सब्सक्राइब करें। और अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स के लिए प्लीज़ मेरी फीचर चैनल इंस्पायर्ड वाई ड्रीम्स को विजिट करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। कीप सिंपल लिव बेटर।